हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सभी प्राइवेट BMS कॉलेज की फ़ीस के बारे में महाराष्ट्र में। जैसा कि आप लोग को पता है कि नीट 2021 की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है महाराष्ट्र में। अगर आपको फ़ीस जाननी है, चाहे वो MBBS के लिए हो, BAMS के लिए हो, BHMS के लिए हो या BDS के लिए हो, आपको सभी कॉलेज की फ़ीस पता चलेगी पर ईयर के हिसाब से और टोटल फीस। तो मैं आपको एक वेबसाइट बताऊंगा, उस वेबसाइट पे आप कोई भी कॉलेज की फ़ीस जान सकते हैं। तो सबसे पहले करना क्या होगा आपको, आपको गूगल खोलना है। गूगल पे टाइप करना है SS समिति, दिख रहा है आपको? हाँ, तो इस पे आपको टाइप करना है। उसके बाद ये देखिए फीस रेगुलेटर अथॉरिटी, तो इस पे आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, क्लिक करने के बाद अब इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, लेकिन आप एक चीज़ देखेंगे, इसको आपको करना पड़ेगा डेस्कटॉप मोड में। ठीक है, डेस्कटॉप मोड के बात करने बाद देखेंगे आप फीस इन्फॉर्मेशन आपको ऊपर दिखेगा। फीस इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कीजिए और उसमें आपको 21-22 पे क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद एक नया टैब ओपन हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इसमें लिखा फीस स्ट्रक्चर ऑफ इंस्टीट्यूट, आपको इंस्टीट्यूट का टाइप सेलेक्ट करना है। जैसे अब मेडिकल, एग्रीकल्चर, लेकिन हम मेडिकल में चेक करेंगे, तो मेडिकल पे क्लिक कर लेंगे। फिर उसका सब टाइप क्लिक करना है कि कौन से स्ट्रीम में आप, जैसे आपको MBBS में करना है MBBS में क्लिक कर सकते हैं, BSc नर्सिंग की फ़ीस जान सकते हैं, होम्योपैथी PG, यार कोई PG कर रहा है होम्योपैथी उसकी फ़ीस जान सकते हैं, BHMS कोई करना चाहते हैं बैचलर होम्योपैथी मेडिकल तो उसमें जान सकते हैं, BDS कोई करना चाहता है उसमें जान सकते हैं फीस कॉलेज की, या BMS। तो हम BMS के लिए देखते हैं, तो BMS पे आप क्लिक कर देंगे। तो आपको अभी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। देखिए ये सिर्फ महाराष्ट्र की आ रही है, ठीक है, क्योंकि महाराष्ट्र की बात हो रही है। तो यहाँ पे आप अगर पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट क्लिक करना चाहते हैं, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, जैसे आप मुंबई, मैं मुंबई सिटी से, तो मैं मुंबई सबर्बन में क्लिक करूँगा। आप लोग जो जो हैं आप नियर बाय प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप अगर आपको ऑल 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 ओवर द महाराष्ट्र चाहिए तो आप ऑल डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक कीजिए। ठीक है, बस उसके बाद सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना है गेट रिपोर्ट पे। आपको दिख रहा होगा, देखिए ये गेट रिपोर्ट है, गेट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप गेट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, आपको एक पेज खुल जाएगा नीचे, और उसमें आपको सारी डिटेल मिलेंगी। देखिए जैसा पहला है BMS के लिए जो कॉलेज है, पुणे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन एसोसिएशन कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा एंड रिसर्च सेंटर। ठीक है, ये है पुणे में BMS है। ठीक है, अब इसकी टोटल फीस देख लीजिए आप, टोटल फीस कितनी है, ये है 2,35,000 रुपये टोटल फीस है। ठीक है, जिसमें आपकी डेवलपमेंट फीस है एंड ट्यूशन फीस वगैरह वगैरह, आपको टोटल डेवलपमेंट फीस लगती है। हर कॉलेजेस में डेवलपमेंट फीस कंपलसरी होती है, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। ठीक है, ऐसे भी आप सब सारे सारे कॉलेज की लिस्ट चेक कर सकते हैं। ये देखिए आपको पुणे, कोल्हापुर, अहमदनगर, नासिक, चाहे जितने डिस्ट्रिक्ट की आप कॉलेज की फ़ीस चेक कर सकते हैं। अगर मान लो आपको MBBS की फ़ीस चेक करना है, तो आपको पहले पेज रिफ़्रेश करना पड़ेगा। रिफ़्रेश करने का सेम चीज़, आपको टाइप में जाना है, मेडिकल चूज़ करना है, फिर आपको MBBS करना है। अगर आप MBBS के लिए फ़ीस स्ट्रक्चर जानना चाहते हैं ऑल ओवर महाराष्ट्र, तो यहाँ पे हम ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट करेंगे और यहाँ पे गेट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम गेट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, नीचे लिस्ट खुल के आ जाएगी। ये हमारे पास है कॉलेज के नाम, एक है जलगांव, एक सांगली में MBBS। यहाँ पे टोटल फ़ीस आपको लिखी है, पहले की फ़ीस है 6,60,000 रुपये, दूसरी की फ़ीस है 8,41,000 रुपये, जिसमें डेवलपमेंट फ़ीस भी शामिल है। जैसा मैं आपको बताया है, डेवलपमेंट फ़ीस हर कॉलेज में लगती है। तो हाँ दोस्तों, ऐसा आप किसी भी कॉलेज की फ़ीस स्ट्रक्चर चेक कर सकते हैं। तो अगर आप नीट काउंसलिंग 2021 में भाग ले रहे हैं, तो ये वेबसाइट आपके लिए बहुत कारीगर होगी, बहुत आपको हेल्प करेगी सब कॉलेज के बारे में, फ़ीस उसकी फ़ीस जानने के, टोटल फ़ीस जानने के बारे में। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें आपकी ज़रूरत है। तो चलता हूँ, अगली वीडियो जल्दी आएगी, अभी के लिए गुड बाय।